देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कहा गया था कि सीवियर साइक्लोन डाना कल रात को 11 बजे के बाद लैंडफॉल का प्रोसेस चालू करेगा, और उसी तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 11 बज के 12 मिनट में लैंडफॉल का जो प्रोसीड्योर, वो प्रोसीड्योर चालू हुआ था। लैंडफॉल का प्रोसीड्योर करीब 4.5 घंटे तक ये सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल का प्रोसीड्योर चला है, और ये लैंडफॉल हुआ है भीतरकनिका जो ओडिशा का है, भीतरकनिका का हवालीकट्टी का जो एरिया, उस एरिया में इसका लैंडफॉल किया गया है। और इसका जो आई जो मिडिल पॉइंट होता है ये साइक्लोन का आई, ये हवालीकट्टी का नीचे वाला जो कैंप है उस जगह पर रात को 2:30 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल हुआ है, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर आईएमडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लैंडफॉल कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी इसका जो इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट और भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आज दिन भर बारिश का संभावना है और उसके साथ साथ ही तेज़ हवाएं चलने लगेगा। जैसे आप देख ही सकते हैं अभी भी तेज़ हवाएं चलने लगा है। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी तेज़ हवाएं चलने लगा है दीघा में, पूर्व मेदिनीपुर में। कल रात से ही तेज़ हवा, तेज़ बरसात होने लगा था पूर्व मेदिनीपुर में। जैसे कि पूर्व मेदिनीपुर में भी एक प्रेडिक्शन दिया गया था कि उड़ीसा में इसका लैंडफॉल हो सकता है, मगर इसका जो इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूर्व मेदिनीपुर में भी। वैसे ही पूर्व मेदिनीपुर में कल रात से ही जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है, और उसके साथ साथ ही समुंदर में तेज़ लहरें देखने को मिला था, और आज सुबह भी जो तेज़ हवा है वो चलने लगा है। और ये पूरा मौसम को एंजॉय करने के लिए ही अभी जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट भी भीड़ करने लगे हैं पूरा समुद्र तट पर, मगर अभी भी प्रशासन की तरफ से तत्परता दिया गया है, प्रशासन की तरफ से पूरा जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग वो किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो डेंजर, वो डेंजर जोन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मुश्किल और भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी जो इफेक्ट पोस्ट साइक्लोन जो इफेक्ट वो आ सकता है, ऐसा एक प्रेडिक्शन है, और इसी वजह से सरकार की तरफ से अभी भी जो प्रोटेक्शन वो लिया जा रहा है। फिलहाल आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि साइक्लोन दाना जब लैंडफॉल किए थे उसी टाइम पर उनका हवा का तेज 120 किलोमीटर मैक्सिमम था, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवा चल रहा था। वो हवा सिर्फ उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी 120 किलोमीटर गतिवेग में इफेक्ट ये साइक्लोन दाना के वजह से पड़ा है। और कोलकाता और उसके साथ साथ ही जो 9 जिला का बात किया गया था, उस 9 जिला में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, मगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवाएं चले थे, और उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ था। आज दिन भर बारिश हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन दिया गया है, क्योंकि पोस्ट साइक्लोन जो डीप डिप्रेशन तैयार होता है, उस डीप डिप्रेशन की वजह से आज दिन भर बारिश हो सकता है। आज रात के बाद से ही जो आसमान क्लियर होने लगेगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। और इसी सिचुएशन में दीघा का समुद्र तट पे बहुत सारे टूरिस्ट भी इधर मौजूद हुए हैं। टूरिस्ट की तरफ से भी ये जो पूरा मौसम ये देखने के लिए आज सुबह से लोग भीड़ किए हैं, क्योंकि कल भी दिखा गया था कि साइक्लोन का इफेक्ट देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। उन लोगों की तरफ से भी आज सुबह से ही फिर से जो लोग हैं वो लोग भीड़ जमाए हैं। दादा कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मीडिया बुस से आया है। तो इधर आने का मकसद क्या था? घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये साइक्लोन देखने के लिए आए थे? वो भी था, साइक्लोन देखने के आए। तो आज सुबह सुबह आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है। मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या रोका जा रहा है? रोका जा रहा है, प्रोटेक्शन ठीक है। एकदम देख ही सकते हैं कि एकदम बैरिकेड दिया गया है कि आम जो लोग हैं वो रहने के लिए। जनता यहाँ पर खड़ी है इंतजार में कि तूफान साइक्लोन को ये लोग देखेंगे। हालांकि लगातार प्रशासन द्वारा ये अपील की जा रही है कि आप समुद्री तट से दूर रहिएगा, पानी वाले इलाकों से खासकर दूर रहिएगा, और जितना हो सकता अपने घरों में ही रहिएगा, क्योंकि इस वक्त तूफान कोई भी रौद्र रूप अपना दिखा सकता है जो जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके इतने सुबह सवेरे ये लोग वहाँ पर इतनी तादाद में इकट्ठा है, पुलिस रोक रही है, उसके बाद भी क्या कोई असर नजर नहीं आ रहा है क्या?
हाँ एकदम ही देखिए, ये जो साइक्लोन का इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, साइक्लोन का इफेक्ट और पोस्ट साइक्लोन का जो इफेक्ट होता है, क्योंकि तेल का जो प्रभाव रहता है उसका प्रभाव अभी भी है, अभी भी बरकरार है, और भी किसी भी तरीके से रुद्र रूप दिखा सकते हैं ये साइक्लोन। मगर उसके बावजूद भी जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट प्रशासन के जो माना वो सुनने के लिए राजी नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि एकदम पुलिस की तरफ से बैरिकेड तैयार किया गया है, बैरिकेड कर दिया गया था कि इस एरिया के बाहर कोई नहीं जाए। मगर जब तक पुलिस का मॉनिटरिंग चल रहा है तब तक पुलिस इधर है, पुलिस जब चला जा रहा है उसके बाद ही फिर से समुद्र के किनारे पुलिस जो है वो चला जा रहा है। इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एकदम पूरा जो पेट्रोलिंग किया जा रहा है, बाइक पेट्रोलिंग किया जा रहा है, उसके साथ साथ ही हर एक जगह पर हर एक पोस्ट पर गार्ड रखा गया है, जो ग्रीन गार्ड है उनको पोस्टिंग किया गया है। उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से पूरा इधर पेट्रोलिंग किया जा रहा है पूरा जगह को, क्योंकि इस जगह को आप देख ही सकते हैं पूरा रश्मि देकर इस जगह को पूरा सील कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी टूरिस्ट जो है वो अंदर ना जा पाए। उसके बावजूद भी ये मौसम को एंजॉय करने के लिए बार बार से लोग चले आ रहे हैं और लोगों को हटाने का कोशिश बार बार से पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो तूफान का डर ख़त्म नहीं हुआ है, तूफान का किसी भी टाइम पर इम्पैक्ट हो सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरा नज़रदारी रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो टूरिस्ट है या आम जनता है वो समुंदर के किनारे ना आ पाए, इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, और इसको लेकर ही पुलिस की तरफ से बार बार से पेट्रोलिंग किया जा रहा है।